गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बंसा क्लासेस राउकला में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लाइफ प्रोसेस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, इसका नाम है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन आप जानते हो क्या होता है, मतलब बॉडी में से जितना भी वेस्ट मटेरियल जो बाहर निकलता है, एक्सक्रीट करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन एक्चुअल में अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें इसका, तो एक्सक्रीशन क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। अब हमारी बॉडी के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है ना, तो उनके कारण कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। जैसे हम फूड खाते हैं, फूड लेते हैं, फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो जो मेन एनर्जी वाला पार्ट जो यूज़ होता है, प्लस कुछ वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर जाता है। अब अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। ठीक, अभी बात करते हैं हम लोग पहले प्लांट्स की। ठीक है, तो प्लांट्स में एक सिंपल वे में अगर देखें तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में अगर हम देखें, उससे पहले एक चीज़ देखते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब वेस्ट प्रोडक्ट में आपका क्या आता है, जैसे आपका आता है नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है, ये क्या होता है, मेजर वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक, अभी किससे फॉर्म होता है ये जो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन वेस्ट है, ये फॉर्म किससे होते हैं, देखिए ये कैसा होता है, फॉर्म ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड न्यूक्लिक एसिड एल्केलॉइड्स। ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट क्या होता है, मेजर वेस्ट प्रोडक्ट किसके ब्रेकडाउन से बनता है, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड एल्केलॉइड के ब्रेकडाउन से बनता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और आता है इसके अंदर, अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो उसमें कौन कौन सा आता है भाई, उसके अंदर आपका आता है यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। ठीक, तो ये तो हो गए नाइट्रोजिनस वाले। अब कुछ होते हैं नॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, नॉन में कौन सा आता है, जैसे आपका हो गया ऑक्सैलिक एसिड और आपका हो गया लैक्टिक एसिड। ठीक, इसके बाद कुछ होते हैं एक्सेस केमिकल्स जो हमारी बॉडी के अंदर से रिलीज होते हैं। ठीक है, जैसे एक्सेस केमिकल्स इसमें क्या आता है आपका, मिनरल्स, ड्रग्स, ठीक है, विटामिन्स, हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा। कुछ होता है CO2 भी हमारी बॉडी से रिलीज होता है वाया लंग्स
रेस्पिरेशन के टाइम पे, तो ये भी एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। और हमारी बॉडी से वाटर भी रिलीज होता है, वाटर भी रिलीज होता है, ठीक, तो ये भी एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। अब वेस्ट प्रोडक्ट जब बात कर लिए तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे देखो, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दे रखा है, एक फ्लो चार्ट को देखिए आप लोग। ये फ्लो चार्ट दिख रहा है आपको, इस फ्लो चार्ट को मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको यहाँ समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं आएगा तो मैं आपको वापस से शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ क्या एक टेबल दे रखी है कि भाई नाइट्रोजन वेस्ट जो होते हैं ना उनके अंदर क्या क्या, उनके अंदर टॉक्सिसिटी कैसी होती है उनकी, वाटर के अंदर सॉल्युबल है या नहीं, मोड ऑफ एक्सक्रीशन कैसा होता है और ऐसा किस किस के अंदर होता है, ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें अमोनिया। अमोनिया क्या है, इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और ये वाटर के अंदर भी बहुत जल्दी मिल जाता है, और ठीक है इसका मोड ऑफ एक्सक्रीशन क्या होता है, अमोनोटैलिज्म टाइप का होता है, ठीक। और ये किसके अंदर मिलता है, एक्वाटिक इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर, बोनी फिशेस के अंदर, टेल्ड एम्फीबियंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद यूरिया, यूरिया क्या होता है, इसकी टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर टिश्यू के अंदर कैसी होती है, मीडियम, ये इससे थोड़ा कम टॉक्सिक होता है। और सॉल्युबिलिटी वाटर कैसे होती है, मीडियम, मतलब पूरा तरीके से ये नहीं मिक्स होता है। मोड ऑफ एक्सक्रीशन क्या होता है, यूरियोटैलिज्म टाइप का होता है, ठीक है। अभी किसके अंदर प्रेजेंट होता है, लैंड इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर, कार्टिलेजनस फिशेस के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर और मैमल्स के अंदर, ठीक है। तीसरा आपका आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो होता है इसकी टॉक्सिसिटी कैसी होती है टिश्यू के अंदर, बहुत लो होती है, वेरी लो, ठीक है। ये वाटर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से मिक्स भी नहीं होता है, इसका क्या कहलाता है, यूरिकोटैलिज्म, इसका मोड ऑफ एक्सक्रीशन होता है यूरिकोटैलिज्म। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, लैंड इंसेक्ट के अंदर, लैंड रेप्टाइल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है आपका छोटा सा, देखिए अब यहां पे देख रहे हो आप एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ डिफरेंट एनिमल ग्रुप। अब किस किस ऑर्गन के अंदर कौन कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम होता है, अगर हम बात करें यहां पे प्रोटोजोअंस की बात करें जिसमें अमीबा और पैरामीशियम आता है, तो यहां पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है इनका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम स्पॉन्जिस की बात करें साइकॉन, तो इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल, इसकी हर इसका जो भी सेल है उसके चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उससे, ठीक है। अगर हम डिडेरिया की बात करें जिसके अंदर आपका हाइड्रा आता है, तो हाइड्रा के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल। अब हम बात करें आपके प्लैटीहेल्मिंथीज की, जहाँ प्लेनेरिया जिसका एग्जाम्पल है, इसके अंदर क्या होता है, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर एक्सक्रीशन के लिए। अगर हम बात करें नेमेटोहेल्मिंथीज की, जहाँ पे एस्केरिस आता है, तो एस्केरिस के अंदर क्या होता है आपका, एच शेप्ड एस्केरिस सिस्टम प्रेजेंट होता है, एक कैनाल सिस्टम होता है, यानी किस तरीके का सिस्टम होता है इसके अंदर, इस तरीके का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैनाल सिस्टम, तो ये प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर ड्रेनेटेड सेल प्रेजेंट होती हैं एक्सक्रीशन के लिए। देन अगर हम बात करें एनिलिडा की, तो एनिलिडा के अंदर नेरिस और अर्थवर्म आते हैं, इनके अंदर क्या होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आर्थ्रोपोडा की अगर बात करें, जहाँ पे प्रॉन मछली आती है, मोस्ट इंसेक्ट आते हैं, स्कॉर्पियंस आते हैं, स्पाइडर्स आते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, ग्रीन ग्लैंड सेल प्रेजेंट होती हैं, ग्रीन ग्लैंड मेलपिगन सेल प्रेजेंट होती हैं, ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं, कॉक्सल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। हेपेटोपैनक्रियास प्रेजेंट होता है और नेफ्रोसाइट प्रेजेंट होते हैं, तो इनके अंदर ये ऑर्गन्स होते हैं। हम लोग इन ऑर्गन्स के बारे में जब क्लास 11th के अंदर एनिमल किंगडम पढ़ते हैं ना, तो वहाँ बहुत डिटेलिंग में हम लोग इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोलस्का। मोलस्का के अंदर पाइला, उनियो, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, किडनी होता है, ठीक है, यूनियो किडनी प्रेजेंट होती है, इनको बोलते हैं, ठीक है, बॉन्जस, ये ऑर्गन जो होता है इसको बॉन्जस बोला जाता है। नेक्स्ट आता है इकाइनोडर्म्स, जिसके अंदर आपका आता है स्टारफिश, इसके अंदर क्या होता है, डर्मल ब्रांचेस एंड ट्यूब फीट प्रेजेंट होते हैं, ब्रांच में इसकी जो स्किन होती है ना, तो कुछ ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेमिकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स में ग्लोमेरुलस सेल प्रेजेंट होती हैं, किस चीज़ के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए, ठीक है। अगर पूछा जाता है अमीबा के अंदर, एक क्वेश्चन आता है आपका है कि विच ऑर्गेनल सर्व द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन अमीबा,
अमीबा के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन एक्रीशन किसके थ्रू होता है? तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होता है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब बहुत से ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, अब देखिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर वाया लंग्स भी एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, लंग्स के थ्रू भी होता है, स्किन के थ्रू भी होता है, ठीक है। तो लंग्स के थ्रू भी एक्सक्रीशन होता है, स्किन के थ्रू भी होता है, ठीक। ये आपको एक्सक्रीशन के पार्ट मैंने बता दिए। अब हम लोग देखते हैं कुछ प्लांट्स के बारे में, ठीक है, प्लांट्स के बारे में जैसा देखते हैं थोड़ा सा, इधर देखिए आप लोग, प्लांट्स भी क्या होते हैं, नाम अपने को थोड़ा याद रखना है। प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है कि जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं ना, प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजनस वेस्ट, इनके अंदर नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होते, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया और यूरिक एसिड जैसे नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होते इनके पास, ठीक है। बिकॉज क्यों? क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स इनके पास प्रेजेंट नहीं होते हैं, न्यूक्लियोटाइड इनके पास प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और इनके पास दे प्रोडक्ट टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड, इनके पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि एल्केलॉइड, टैनिंस, एरोमेटिक ऑयल्स, ठीक है। अब देखिए, अब नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट में क्या होता है, दे आर बाई प्रोडक्ट्स जनरल मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स के फॉर्म में, जैसे आपका आ गया कॉमन वंस एल्केलॉइड, जैसे कि क्विनिन, मॉर्फिन, एटोप्रिन। एक कुछ ऑर्गेनिक एसिड इनकी बॉडी से रिलीज होते हैं, जैसे ऑक्जेलिक एसिड, टैनिन, लेटेक्स, ठीक है, रेजिन, गम्स, ये सब इनकी बॉडी से रिलीज होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक पार्ट था एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट्स का, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एक्सक्रीशन क्या होता है बता दिया, ठीक है, एक्सक्रीशन डेफिनेशन बता दिया, वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड के बारे में बता दिया, ठीक है। अब वेस्ट प्रोडक्ट में, एक्सक्रीटरी वेस्ट में देख लो, रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया CO2 निकलता है, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट बता दिया, बाइल पिगमेंट्स बता दिया, ठीक है। बाइल पिगमेंट में आप देख सकते हो, बाइल पिगमेंट में जो होता है वो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है आपका बिलीरुबिन, बिलीविरिडिन और यूरोक्रोम्स, ठीक है, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक का जो नोट्स है ये आपको शेयर कर देता हूँ एक बार, आप इसको एक बार रीड आउट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना प्रॉपर वे में उसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ तक कोई समस्या हो मेरे को बताना, एक बार यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना, साथ ही साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उनको भी आपको क्लास के अंदर करना है, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़िएगा अच्छे से, डाउट हो मेरे से पूछिएगा, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।